हेलो बच्चों, राम राम सभी को। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो है बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, ठीक है। मैं आपको जो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें जो भी स्टेप बताए थे प्रॉपर वे में, वैसे ही आपको बेटा एग्जामिनेशन हॉल में करके आना है। उसी वे में आप करके आएंगे तो बेटा आउट ऑफ, अगर मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 out of 4 मिलेंगे आपको डेफिनेटली, ठीक है बेटा। तो देखिए अब यहाँ पे चलते हैं। द कोच ऑफ आर, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा हिंदी मीडियम वालों से मेरी विनती है कि प्लीज इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएं और उसमें एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को देखें और समझें, बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3900। लेटर सी बायस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, एक ही बात है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ 1 बैट एक्स। फिर क्या करेंगे बच्चों, लेट द कोस्ट ऑफ 1 बॉल वाई। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन समझेंगे। एक कोच, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या करा, 3 बैट और 6 बॉल 3900 में खरीदी। उसके बाद उसने क्या करा, सी बायस अनदर बैट, एक और बैट उसने खरीदा और 3 और मोर बॉल खरीदी, कितने रुपए में, 1300 रुपए में खरीदी। तो आप इसे बताएं इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स में रुपीज मान लिया, तो उसने 3 बैट खरीदे तो 3x प्लस 6 बॉल तो 6y, इसका टोटल कितना आएगा 3900। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारी। अब बेटा देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है सब में, हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे यहां से, ठीक है, और इसको नीचे ले जाएंगे, एक्स प्लस 2y, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड इक्वेशन पे बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है कि उसने जितने बैट सी अनदर बैट मतलब 1 बैट उसने लाई किया एंड 3 मोर बॉल, 3 और बॉल लाई की बाय करी, तो कितने रुपए में उसने करी, 1300 रुपए, कितने रुपए करी, 1300 रुपए। ये दूसरी क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर बच्चों कि दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब देखेंगे इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया बच्चों, देखो ध्यान से जरा एक बार। देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, एक एक्स सेलेक्ट किया आपको बैट को और वाई सेलेक्ट किया हमने बॉल को, ठीक है, और हमारे पास 3 बैट थे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 बॉल थे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा कोस्ट बन गया 3 बॉल का 6 बैट का, दोनों का कोस्ट मिला के इतना कोस्ट आ गया, सेम यहां पर प्रोसीजर किया। ओके बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे, मतलब इसके हम पॉइंट्स निकालेंगे जिससे हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। इसको हम क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे जिससे हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है बच्चों, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गई होगी आपके पास। तो देखिए जरा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए बच्चों, यहां से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम दोनों, हमने इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई, कोइंसिडेंट ऐसा हो रहा है। देखिए दो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है दोनों क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हम लेते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे एक्स प्लस 2y = 1300। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई डाउट होता है बताइए यहां पर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पुट x = 0, अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने 0 पुट किया प्लस 2y, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, जब x की वैल्यू हमने क्या पुट करी, 0, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी,
6500। ध्यान समझिए बच्चों, दिखाता हूं मैं आपको दोबारा। एक्स के वैल्यू मैंने जीरो पुट करी, यहाँ पे जीरो हो गया। उसके बाद हमारे पास 2y बचा 1300, यहाँ पे जीरो आ गया, ये आपको हमने आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1300 का हाफ 650 650 ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों पुट। अब देखो, अब एक बार हमने एक्स को क्या पुट करा, जीरो पुट करा। एक काम करते हैं, अब वाई को जीरो पुट कर देते हैं, पुट वाई पर जीरो, ठीक है। तो एक्स प्लस टू वाई डिस्कस टू 1300, एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू जीरो, तो कितना आएगा 1300। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 300, ठीक है। अब हमने वाई को जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1300। एक्स के लिए कितने आ गई 1300। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? देखो, अगर हमने क्या, एक बार हम एक्स को जीरो पुट करें, एक बार वाई को जीरो पुट करें। देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन में आप एक्स को और वाई को जीरो पुट करने से क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाती है, और हम जिस क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट लगाएंगे वो हमारा 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहां पर इसको, हमने वैल्यू को जीरो जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है। एक डेटा और ले लेते हैं, कोई सा भी डेटा ले लीजिए जिसके बेसिस पे हम, हमारा देखो फ्रैक्शन में भी अगर डेटा आएगा तो बस ग्राफ में थोड़ा सा हैंडल करने में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगा, बट आप फ्रैक्शन में भी डेटा को ले सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक और डेटा ले सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, डेटा को यहां पर कोई ऐसा डेटा लें जो कि इजीली वो कैंसिल आउट हो जाए। देखो बच्चों, तो यहां पर एक काम करते हैं हम, यहां पर हम वाई की वैल्यू कितने लेते हैं, 500 लेते हैं। वाई की वैल्यू कितने लेंगे, 500 लेते हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू जब हमने 500 ली, इक्वेशन में देखिए जरा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1300, ठीक है। तो एक्स प्लस टू वाई, वाई की वैल्यू हमने कितनी ली बच्चों, 500, 1300 कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 1000 कितना आएगा आपका 300। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 300। अगर मैंने वाई की वैल्यू 500 ली, वाई की वैल्यू कितनी ली बच्चों 500 ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। y की वैल्यू अगर मैंने 500 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 300 आ गई। मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ में आ गया बच्चों आपको, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में देखेंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट y इक्वल टू 0 रखोगे, पुट y इक्वल टू 0 रखोगे। x प्लस 3 इंटू वाई 0 1300, x के लिए कितनी होगी 1300। यहां तो कोई दिक्कत बच्चों आपको, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जब हम y की वैल्यू 0 रखोगे तो x के लिए कितनी आएगी हमारी 1300 आएगा। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जरा आगे डेटा को रखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों। देखो अब देखो, ऐसा डेटा रखेंगे हमारा कि पॉइंट में आ जाए, तो वो हम नहीं करेंगे। एक्स प्लस टू वाई सॉरी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 1300। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब यहां पर हम रखते हैं, हम यहां पर काम करते हैं, ऐसा रखते हैं जिससे कि हमारा कैंसिल हो जाए। हम यहां पर एक्स की वैल्यू पुट 400, तो हमने 400 पुट कर दिया। समझ में आ रहा होगा, उधर जाकर हो गया माइनस, तो कितना हो गया आपका 900। वाई की वैल्यू कितनी हो गई 300, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू में 400 पुट कर, सॉरी एक्स की वैल्यू में 400 पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 300 आ रही है। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, अब पुट, अब एक बार और डेटा को ध्यान देखो, यहां तक तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक बार और एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 700 पुट कर देते हैं 600। यहां पर देखो समझ में आ रहा होगा बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सभी को, एक्स की वैल्यू जो है वो 700 रखते हैं तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम 700 रखेंगे, 700 प्लस 3y इसकस टू 1300, 3y इसकस टू 1300 माइनस 700 कितना आएगा बच्चों 600, ठीक है, इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 600 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 200। आपने x की वैल्यू कितनी रखी बच्चों, x की वैल्यू रखी 700, x की वैल्यू कितनी बच्चों रखी 700, और y की वैल्यू कितनी आई आपकी
मेरे ख्याल समझ में आ गया बच्चों आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेस ना होने के कारण मैं सिर्फ करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एक्स के वैल्यू 700 ली, उधर जाके क्या हो गया माइनस, और फिर डिवाइड में चला गया तो आपका 200, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल समझ में आ गया सभी को। देखो बच्चों अब हम जरा इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा बच्चों, x इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, x की वैल्यू हमारी जीरो है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 650। तो y की वैल्यू 650 तो करीब अराउंड यहां पर आएगी डेटा, ठीक है। x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू 650, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। x की वैल्यू 1300, यहाँ पर डॉट डॉट ले लिया मैंने क्योंकि जगह नहीं होने के कारण ऐसा करा है, ठीक है। और y की वैल्यू जीरो, 1300, ठीक है। और x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500 कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, ठीक है। इस वाली लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम, और इस वाली लाइन का जो है हमारा जो वो है क्या कहते हैं ग्राफ है, जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू 1300 एंड y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट है सेम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x 400 y 300, x 400 y 300 अराउंड यहां पर आएगा पॉइंट बच्चों, 400, 300, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट x 700 y x 700 और y 200, तो अराउंड इस पे आएगा पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब ये लाइन जो है वो इस तरीके से जाएगी, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे पास होती है दो पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से, ठीक है। और इसकी इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 300, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखी मैंने। यहां पर समझ में आ गया होगा बच्चों सभी को, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट है 7,200, इसके नाम लिख सकते हैं आप, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ABCD नाम रख सकते हैं, ए बी सी इसको ले सकते हैं, पी क्यू आर आर वाला पॉइंट सेम ही कोई साइड कर रहा है, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों। अब यहां पर स्केल लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस का डिफरेंस कितना है बच्चों, 100 का डिफरेंस है, एंड वाई एक्सिस का डिफरेंस कितना बच्चों, 100 का डिफरेंस है। आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर सेंटीमीटर में जो ग्राफ है, जो ब्लॉक्स होते हैं आपके, जो स्केल होता है वो आपका सेंटीमीटर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर में हम नोट करते हैं, ठीक है। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझ में आएगा सभी को, या आप सेंटीमीटर में ना लिखें कोई दिक्कत नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों।